तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू व्लॉग। तो अभी यार मैं सुबह उठकर काम कर रहा हूँ। मेरा तो यार एडिटिंग कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी मेरा लगेगा काफी ज्यादा टाइम। तो अभी मैं एडिट कर रहा हूँ एंड सभी लोग अभी जा रहे हैं मार्केट प्रसाद इंग्लिश, क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा है तो उसके लिए सामान लाना है और भी काफी सारी चीजें खरीदनी है, कपड़े वपड़े। तो सब लोग जा रहे हैं, मैं बस नहीं जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। भैया अपना वीडियो बनाने में लगा है, मैं माँ दोनों, काजल काजल कहाँ छुप गई है, काजल और पापा इधर पे। हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, इधर पे माँ जुगाड़ करी हुई है व्लॉग देखने का। ये देखो इधर पे व्लॉग देखने का माँ का जुगाड़ है बना हुआ पीछे। तो अभी हम लोग प्रसादिंग लिस्ट पहुंच चुके हैं और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या लेना है। वैसे लेना क्या है यहाँ पे, किस काम से आए हैं? ड्रेस। ड्रेस, वाह, शॉपिंग के लिए आया गया है इधर प्रसादिंग लिस्ट। दुकान पे आए हैं लड्डू ऑर्डर करने, क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा है इसलिए प्रसाद के लिए लड्डू इस दुकान पे ऑर्डर करने आए हैं। और काजल थोड़े बहुत ले भी रही है खाने के लिए भी, ये रहा, काजल ने ले लिए खाने के लिए भी अभी। बाकी कल के लिए ऑर्डर दे दिया हम लोग ने, कल फिर आकर ले जाएंगे प्रसाद के लिए लड्डू। तो मस्त चाट खा के आ गया हूँ और माँ का काम भी हो गया है, दोनों माँ का, दोनों श्रृंगार पे एक डेढ़ घंटे से थे। तो अभी यार शाम के 4 बज चुके हैं, अभी देख सकते हैं मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ। अभी एक जगह जाना है, कहाँ जाना है वो आपको मैं रास्ते में ही बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता है। बस सब लोग तैयार हुए तो मैं भी तैयार हो गया एंड अभी चलते हैं फटाफट से। सब लोग चले गए हैं कार में बैठने के लिए तो मैं भी चलता हूँ फटाफट। तो अभी यार हम लोग यहाँ पर इंटवा गांव में आए हुए हैं, यहाँ पर ईंट बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो ये भट्टी है, इसमें ईंट बनता है, ये पूरा भट्टी है। यहाँ पर देखो काफी सारे नीचे ईंट बनकर रखा हुआ भी है। यहाँ से अभी इंटवा गांव से हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी यार यहाँ पर बीच में थोड़ा ब्रेक लिया गया है, सब लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर और है, कसौटी जाना है। वहाँ पर बेसिकली हमारे बुआ एंड फूफा जी का घर है, तो वहाँ पर अभी जाना है। वाह, तो फिर आया ही क्यों, इसका पेट खराब है थोड़ा बेचारे का, लेकिन फिर भी आया। यहाँ पर थोड़ी देर ब्रेक लिए हैं एंड फिर यहाँ से निकलते हैं। दर्द ब्रेक नहीं यार, वहाँ दर्द ब्रेक नहीं लिया जा रहा, वहाँ पर लेते थे चलते चलते। बाइक से चलते हुए तो हालत खराब हो जाती थी पूरी, अब दिक्कत। यहाँ पर तो आराम से बस, और यहाँ पर देखो साइड में पूरा इधर सिंघाड़ा है, लेकिन अभी ये कच्चा होगा, पक्का होता तब तो ये चला जाता। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, देखते हैं अभी कितने देर में पहुंचते हैं। 5-6 किलोमीटर बस और है तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। तो अभी यार यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन उधर रास्ता देखने के लिए गए थे, क्योंकि देख सकते हो गली काफी पतली है तो यहाँ पर टर्निंग में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए देख लिया। यहाँ से देखते हैं, अब आगे तो नहीं जा पाएगी, यहीं पर कार लगी हुई है, यहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये रहा यार घर, ये है हमारी बुआ फूफा जी का घर जहाँ हम लोग आए हुए हैं। तो वो खाना परोसने की ड्यूटी में इधर बाहर। यहाँ पर बेसिकली यार जो हमारे फूफा जी हैं उनकी जो मम्मी है वो एक्सपायर कर गई है, तो इसके लिए यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर और भी काफी सारे लोग आए हुए हैं, क्यों गोरख, बाकी सब लोग उधर है, खाना पानी चल रहा है, अभी गोरख जा रहा है खाना चलाने के लिए। हाँ उधर कबड्डी चालू है, गोरख नहीं अंकित गया है चलाने के लिए। यहाँ पर बड़े पापा बैठे हुए हैं, अंदर बन रहा है बाकी खाना वाना। तो जब से यार हम लोग बिहार आए हैं तब से हम लोग 2 ठाकुरबारी ऑलरेडी जा चुके हैं, अभी हम लोग 3रे ठाकुरबारी में जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक ठाकुरबारी है, ये गांव कौन सा, क्या नाम था, लोग पक गए होंगे, कसौटी, हाँ कसौटी गाँव, यहाँ लोग पक गए होंगे। ये ठाकुरबारी कितना बकता है, अरे तो जगह है वो तो काफी मस्त एरिया है, वही तो घूमने का प्लेस है, तो फिर मैं पक क्या गए होंगे। तो चलो अभी चलते हैं ठाकुरबाड़ी में, देखते हैं ओपन है या फिर क्लोज है। और यहाँ पर सामने देख सकते हो वहाँ पर कार पार्क कर रखी है, बिकॉज यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है ना, काफी पतला रोड है, इसलिए वहीं पे पार्क कर रखा है। हाँ यहाँ पर स्क्रैच हो जाता। अभी हम लोग यहाँ गाँव के बाहर आ चुके हैं, यहाँ से देख सकते हो गाँव स्टार्ट होता है, पीछे वहीं पर कार पार्क भी है, इधर से भी रास्ता है। अभी हम लोग गाँव के बाहर आए हुए इधर ही घूमने के लिए। ठाकुरबाड़ी तो पीछे था, वो शायद बंद था अभी। तो अभी यहाँ पर सामने एक स्कूल है, वो देखो सरकारी स्कूल है, तो अभी वही देखने के लिए जा रहे हैं। बाकी इधर भी मस्त शाम है ना, अभी 5:30 बज चुके हैं, तो मस्त ठंडी हवाएं चल रही है, गर्मी नहीं लगती है बिहार में, एक ही मस्त चीज़ है, क्योंकि चारों तरफ बस हरियाली रहती है और हवा भी चलते रहती है, तो गर्मी का बिल्कुल नो टेंशन। एंड अभी आते हुए हम लोगों ने मैप में चेक किया था, तो यहाँ पर ये जो सामने प्लेस है ये कब्रिस्तान है, वहाँ पर कब्र भी खुदे हुए थे अंदर साइड में, वो पूरा जो बना है ना, जहाँ पेड़ पेड़ दिख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये इस जगह पे पूरा कब्रिस्तान है, मैप में दिखा रहा था। एंड अंदर हमने देखा था तो वहाँ पर कब्र भी था,
ये स्कूल अभी इधर ही आसपास घूमने के लिए आए हैं। ये किस चीज का पेड़ है? आम का। आम तो लेकिन है ही नहीं। ये देखो, ये स्कूल है या फिर धोबी घाट है? पूरा धो धो कर कपड़े डाल रखा है। अबे ऊपर से जा रहा है क्या? बंद है स्कूल? अबे फिर भी ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये सरकारी स्कूल है गांव का। ये ऐसा लग रहा है गांव मतलब स्कूल कम और यहाँ पर धोबी घाट ज्यादा है। पूरे कपड़े देख सकते हो धोकर डाल रखा है। अबे कहाँ जा रहे हो अंदर? यहाँ क्या टट्टी करने के लिए? पोजीशन देखो जरा, पोजीशन। यहाँ पर ये दोनों तो कूद गए। वहां से गेट है, गेट देखता हूँ। गेट तो क्लोज है बे। तुम लोग क्यों चले गए अंदर? बंद है स्कूल वैसे भी। रुक जाओ रुक जाओ, अभी आएगा ना इसका सिक्योरिटी गार्ड है कोई? गार्ड वार्ड भी नहीं है। सरकारी में कोई गार्ड भी नहीं रहता है ना। एंड यहाँ पर एक दुकान भी है लेकिन हम लोग पैसे लेकर नहीं आए। ये रहा, कुछ कुछ मिलता है यहाँ पर। समोसे हो गए। डेंजर, खतरा, 11,000 का वोल्ट है यहाँ पर। ये देखो 11,000 पूरे यहाँ पर। अगर कोई टच किया सीधे 11,000 का पड़ेगा झटका, समझे? दूर रहना। ये तो बेचारा इतना पतला है यार, ये चिपक के। हाँ खेल खत्म, पता भी नहीं चलेगा। एक गोरख था हो जाएगा, एक गोरख है। और यहाँ पर पता नहीं हमको ये क्या देखने को मिला। ये सिंघाड़े तो नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं ये क्या है। आप लोग बताना यार कमेंट में, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा क्या है गोरख। ये पता है मेरे को नहीं। ये फूल किस चीज का? इसी का है। अरे ये साइड में, ये उसका नहीं है। अरे हाँ एक वहाँ पे भी है छोटा सा। चलो गोरख, मैं कार चला कर ले चलता हूँ। कहाँ चलना? क्या पता जी, आखिरी दिन ही ना हो। मुझे चलानी ही नहीं आती। आज चला तो आज बेचारा गोरख का आखिरी दिन, आज खेल खत्म। वो किस चीज का टावर है? वो ऐसे बिजली का है। वो देखो पूरा दूर दूर तक बिजली का है। वैसे बीच में खेतों में बने रहते ताकि वो जो वायर जाते ना वो नीचे ना गिरे। यहाँ पर अंकित और छोटू दोनों आते हुए। तो प्यार से अपने चाचा जी गणेश बोलते हैं। ये हमारे छोटे चाचा का बेटा है, ये अंकित का दोस्त, अंकित का काफी प्रिय मित्र। लंगोटिया यार। अबे मैं बोल रहा हूँ ये और ये नैनो दोनों का रेस होगा तो कौन जीतेगा? मतलब दोनों में से कौन ज्यादा दमदार निकलेगा? नैनो ही ठीक है भाई, इससे तो इसका भी बहुत कम हाइट है। ये देखो 4 सीटर ही है, 2 अंदर 2 आगे बस। बहुत छोटी गाड़ी है ये। ये है खाना खाने के लिए। यहाँ पर गाय भैंस का खाना खाने के लिए पूरा बनाया हुआ रहता है। अभी इसमें कचरा भरा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर इधर पूरा देखो इधर जानवर नहीं है ना। जब इधर जानवर रहते हैं तब यहाँ पर पूरा खाना रहता है। गोरू बोलते हैं। हाँ और भी जगह पे बोलते होंगे, जरूरी थोड़े ना यूपी झारखंड में भी गोरू बोलते होंगे। यहाँ से निकल रहे हैं सब लोग, कार में बैठकर चलते हैं। यहाँ पर खाना पीना हो चुका है। अभी फाइनली यार हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं। अब चलो डायरेक्ट घर चलते हैं। यहाँ पे गोरख तो मस्त मजे से सोकर आया है। क्यों गोरख? पीछे भी सब लोग सो गए थे, पीछे अंकित बैठा हुआ था, काजल ये लोग सो गए थे। अंकित घर आते से ही यहाँ पर कटोरा लेकर शुरू हो गया भगवान के नाम। बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा। चप्पल है वैसे, ये रहा एकदम ताजा ताजा। कुछ चाहिए तो बोलो। किट्टू है, किट्टू को मैं नहीं दूंगा। लेकिन किट्टू को तो मैं नहीं दूंगा। किट्टू ये क्या करता है सिर घुमा घुमा? तो अभी गोरख यहाँ पर अपनी चर्बी दिखाएगा। गोरख दिखाओ, ये देखिए तो सिक्स पैक दिखा रहा है गोरख का। सिक्स पैक नहीं, लेदा पैक इसको। चर्बी है, चर्बी है ना, सिक्स पैक है। छी छी छी। अंकित का देखो, यो इसे कहते हैं ना असली सिक्स पैक। क्यों अंकित? बॉडी। बेचारा फुस्सी बम निकला, फुस्सी बम। इसके अंदर हवा भरा हुआ है बलून से। क्यों गोरख हवा भर रखा है? फोड़ कर देखे क्या? नहीं, नहीं। सुई हाँ सुई 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 से देखते हैं, वहाँ चुभा कर देखेंगे। अगर फूट कर उड़ गया मतलब हवा रहेगा। ये क्या हो रहा है दोनों का? ये गोरख को मैं थोड़ा नहला दे रहा हूँ। हैं? ये क्या है? ये कौन सा स्टाइल है? वाह तालियां। ग्लास से नहाता है बाल्टी के जगह। ओ भाई ओ भाई ओ भाई।
ये लोग रात को कुछ भी करते हैं। ये लोग रात को नहा रहे हैं, पहली बार तो ऊपर से लड़ाई हुआ। तो यार कल वहाँ पर खाना खा लिया था तो घर पे आकर भूख लगी नहीं एंड डायरेक्ट रात को फिर नहाए तो मस्त, मतलब काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी तो इसलिए मैं, गोरख, अंकित सब लोग नहाए, उसके बाद काफी रिलैक्स फील हुआ, फिर हम लोग ऊपर ही सो गए थे। तो यार इस व्लॉग को मैं फिलहाल अभी सुबह उठाऊँ तो अभी सुबह एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा आएगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और भी व्लॉग्स देखने के लिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते कल एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए। ये हुंडई का i10 वर्सेस नैनो होगा तो कौन जीतेगा? मतलब नैनो जैसे मैं भूल गया।